सर जॉन शोर के समय में ब्रिटिश संसद में 1793 का चार्टर्ड एक्ट पास किया गया था। इसी के काल में निज़ाम और मराठों के बीच में 1795 में खुदरा का युद्ध लड़ा गया था। सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की जो नीति थी उसका पालन किया और उनके केवल अवध के मामले में ही हस्तक्षेप किया। तो कुल मिला के अहस्तक्षेप की नीति का पालन करने वाले गवर्नर जनरल सर जॉन शोर थे। असफुद्दौला की मृत्यु के बाद अवध में उत्तराधिकार की समस्याएं शुरू हो गई थी और असफुद्दौला वज़ीर अली को नवाब बनाना चाहता था, किंतु सर जॉन शोर उसके दूसरे पुत्र सआदत अली को नवाब की घोषणा कर दी और उसके साथ में संधि भी की। तो इस प्रकार से इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। इसके बाद आने वाले हैं अगर हमारे पास गवर्नर जनरल, तो सबसे बेहतरीन आएंगे लॉर्ड वेलिजली। लॉर्ड वेलिजली सहायक संधि प्रणाली स्टार्ट करने वाले थे और बंगाल के शेर के नाम से जाने जाते हैं। इनके बारे में बात करें तो 1798 में सर जॉन शोर के अहस्तक्षेपवादी युग के बाद लॉर्ड वेलिजली भारत के गवर्नर बन गए और इन्होंने सहायक संधि की प्रणाली जो ही उसको शुरू किया। इन्होंने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया था। हालांकि सहायक संधियां जो थी वो प्रयोग भारत में इससे पहले डुप्ले भी कर चुके थे। डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर हैं और इन्होंने इससे पहले भी इनका यूज़ कर लिया था। सहायक संधि जो है वो कुछ शर्तों के ऊपर आधारित होती थी। जैसे अगर पहली शर्त है इसकी कि भारतीय राजाओं को अपनी विदेश संबंधी जो काम है वो कंपनी के नियंत्रण में स्थापित करने होते थे और जो भी बात करनी होती थी किसी दूसरे राज्य से तो कंपनी के माध्यम से ही कर सकते थे। अगर उनको किसी पड़ोसी राज्य से बात करनी है किसी डील में तो उनको कंपनी से सहायता लेनी पड़ेगी। दूसरी बात थी कि जितने भी बड़े राज्य हैं उनको अनिवार्य रूप से सैनिकों की एक टुकड़ी और सैन्य अधिकारी के नियंत्रण में रखनी होती थी अपने यहाँ पर, और उन्हें एक ऐसा क्षेत्र देना होता था वो पूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्षेत्र उनके अंडर में होता था, वहाँ पर राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। और छोटे राज्यों के लिए ये था कि अगर आप हमारी सेना की टुकड़ी नहीं रख सकते हो तो आप उसके बदले में हमें नगद धन दे दिया करो। तीसरी बात ये थी कि किसी भी राज्य ने चाहे वो छोटा हो या बड़ा अगर सहायक संधि की है तो प्रत्येक राज्य को अपनी राजधानी में क्या करना पड़ेगा, एक अंग्रेजी रेजिडेंट अधिकारी को रखना होगा। और इस अंग्रेजी रेजिडेंट अधिकारी का काम क्या होता था, यह होता था कि कंपनी की आज्ञा के बिना आप किसी भी बाहरी काम को या किसी भी व्यापारी को या किसी भी अंग्रेज को या फ्रांसीसी को अपने यहाँ पर नियुक्त नहीं कर सकते थे, आपको अंग्रेज रेजिडेंट से पूछना पड़ता था। चौथा बड़ा काम था कि कंपनी अपनी जो सहायक संधियाँ हैं स्वीकार कराने वाले राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी और ये बोलती थी कि हम आपके हर प्रकार के शत्रु से आपकी सहायता करेंगे। अब अगर बात कर ली जाए कि सहायक संधि किसके लिए काम लाभदायक थी और किसके लिए नहीं, तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि सहायक संधि जो है वो कंपनी के लिए लाभदायक थी। और जैसे कि इसको क्या लाभ था, तो यहाँ पे राज्यों को आपस में लड़ा देती थी, उन्हें सहायक संधि के जाल में फंसा के रख लेती थी और अपने सैन्य व्यवस्था में जो व्यय था उसमें कंपनी ने कटौती कर ली थी और राजाओं से ही वो पैसा ले लेती थी, अपने सैनिकों को भी रख लेती थी। दूसरी बात, जो इनके दुश्मन थे अंग्रेजों के दुश्मन फ्रांसीसी, उनकी जो शक्ति थी उनको कमज़ोर करने में भी काम में आ रही थी। और अगर बात करें राजे रजवाड़ों की, तो इससे राजे रजवाड़ों को तो बिल्कुल हानि ही थी। क्या हानि थी, जैसे कि उनके पास जितने भी भारतीय सैनिक थे वो बेकार हो गए थे और विदेशी संबंध कंपनियों के नियंत्रण में आ गया था, तो यहाँ पर उनके हाथ में भी कोई संबंध रह नहीं गए थे स्पेशल। राजा जो बिल्कुल था वो निष्क्रिय रूप में आ गया था और सहायक संधि से जुड़ने वाले जितने भी राज्य थे वो अधिकांशतः दिवाली हो गए थे क्योंकि इनका खर्च इतना हो गया था। अब प्रश्न आता है कि किन किन राज्यों ने यहाँ पर सहायक संधि की थी, तो 1798 से लेकर 1804 तक बहुत सारे राज्य हैं हमारे पास, जैसे हैदराबाद है, मैसूर है, तंजौर है, अवध है, पेशवा है, इन सभी ने तो संधि कही गई। साथ में जो बरार के भोंसले थे और ग्वालियर के सिंधिया थे इन्होंने भी सहायक संधि करी। और अन्य राज्यों की बात करें तो राजस्थान में हमारे जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, मच्छेड़ी हो गया, बूंदी हो गया और भरतपुर हो गया, इन राज्यों ने भी सहायक संधि स्वीकार की थी। वेलिजली के समय पे फ्रांसीसियों का जो डर था भारत में पूरी तरीके से फैला हुआ था, तो वेलिजली के सामने एक समस्या थी कि आखिर फ्रांसीसियों को कैसे हराएं। तो उसने इसका एकमात्र हल ये निकाला कि अगर मैं भारत के सभी राज्यों को अपने अधीन कर लेता हूँ तो मैं इनसे जीत सकता हूँ। यहाँ पे टीपू सुल्तान का जो संपर्क है वो नेपोलियन से हो चुका था और उसने उसे सहयोग मांगे थे कि मैं अंग्रेज़ों को बाहर कर दूँगा। तो जब वेलिजली को पता चला कि टीपू सुल्तान हमारे खिलाफ़ इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है,
तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान को हमारे जो वैली जली साहब हैं वो मार डालते हैं। 1799 ईस्वी में जो वैली जली हैं उन्होंने मेहंदी अली खान नाम के एक दूत को ईरान के शाह के दरबार में भेजा था, और उसके बाद 1800 ईस्वी में इन्होंने एक अन्य दूत जॉन मैकलम को बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के साथ तेहरान पहुंचाया। हुआ क्या कि जो शाह थे उन्होंने अंग्रेज़ों से एक संधि करी कि हम फ्रांसीसियों को अपने देश में आने की अनुमति नहीं देंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने फ्रांसीसियों को बहुत हद तक रोकने का प्रयास किया। लॉर्ड वैली जली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के स्थान पर एक शक्तिशाली राजनीतिक स्वरूप जो था वो प्रदान कर दिया था। लॉर्ड वैली जली ने अपने आप को बंगाल के शेर कहकर भी संबोधित किया, या इसको एक उपाधि मिली थी बंगाल का शेर। इसके समय में ही 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का सृजन भी हुआ था। नेपोलियन के विस्तार को रोकने के लिए वैली जली ने भारत में जनरल वेयर्ड के नेतृत्व में एक सैनिक दस्ता मिस्र भेज दिया था, और इसके काल में द्वितीय आंग्ल मराठा या आंग्ल जो मराठा युद्ध था 1803 से लेकर 1804 वाला वो भी हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा जो वैली जली है वो 1804 तक रहने वाला है। इसके बाद बनते हैं लॉर्ड कार्नवालिस, ये उनका दूसरा कार्य था, पर 1805 में जब वो वापस से गवर्नर जनरल बने शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती है और इस कार्यकाल में स्पष्ट वो कुछ कर नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं इनके बाद बनने वाले, तो सर जान बार्ले करके ये गवर्नर जनरल बनेंगे, और इनके समय में वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 वाला, ठीक है, और जिनमें कई अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। बस इनके काल में एक ही है, जन जॉर्ज बार्लो के समय में वेल्लोर विद्रोह हुआ था, तो बार्लो वेल्लोर इस प्रकार से आप याद रख लेंगे। इसके बाद आने वाले हैं 1807 में लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से लेकर 1813 तक। तो इनके समय में क्या हुआ था, पर्शिया जिसको हम फारस कहते हैं, पर्शिया के शाह के साथ इनकी एक संधि हुई थी, उसके अनुसार कोई भी विदेशी सेना उनकी अनुमति के बिना उनके क्षेत्र से गुजर नहीं सकती थी, मतलब फारस के शाह से साथ संधि कर ली इन्होंने। चार्ल्स मेटकाफ को मिंटो ने ही महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था, और 1809 में अमृतसर की संधि भी की गई थी इन्हीं के साथ में। मिंटो ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह का भी दमन किया था। तो इस प्रकार से मिंटो के काल में तीन काम होते हैं, ये चार्ल्स मेटकाफ को राजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजते हैं, बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह को दबाते हैं, और जो पर्शिया के शाह है उनसे एक संधि भी कर लेते हैं। इनके बाद आने वाले गवर्नर जनरल हैं हमारे पास लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 तक लगभग 10 साल भारत में रहने वाले हैं। लॉर्ड हेस्टिंग जो हैं वो गवर्नर जनरल बनकर 1813 में भारत आए। अपने गवर्नर जनरल के रूप में भारत में उनके राजनीतिक श्रेष्ठता को और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। इनके समय में सर्वप्रथम नेपाल युद्ध लड़ा गया था। 1814 से लेकर 1816 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया, और अंग्रेजों की ओर से इस युद्ध में जनरल ऑक्टरलोनी, कर्नल निकल्सन, गार्डनर, जनरल गिलिस्पाई आदि बहुत अच्छे अच्छे नायक थे। जनरल गिलिस्पाई जो थे, इनका जो कालंग का एक दुर्ग था नेपाल के वहाँ पे, तो उसमें आक्रमण करने में ये विफल रहे थे और वहाँ पर ये वीर गति को भी प्राप्त हो गए थे। जो इनके उत्तराधिकारी हुए मेजर मार्डिक, और इन्होंने भी क्या करा, जेताग दुर्ग को जीतने में ये भी असफल रहे, किंतु अंग्रेजों ने अपनी विफलताओं से हताश नहीं हुए और ये लगे रहे युद्ध में। कर्नल निकल्सन और गार्डनर ने कुमाऊं की पहाड़ियों में जो स्थित अल्मोड़ा नगर था वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली। जनरल ऑक्टरलोनी ने मालाओं के नगर में अमर सिंह थापा को हरा दिया। इस प्रकार जो युद्ध था उसमें गोरखा जो थे पूर्ण रूप से पराजित हो गए थे। 1816 ईस्वी में जब ये युद्ध ख़त्म हुआ तो यहाँ पर गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में संगोली की संधि हुई, और इस संधि से युद्ध की समाप्ति भी हो जाती है। संगोली की संधि की शर्तों के अनुसार गढ़वाल तथा कुमायूं हिमालय जो है वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गए थे। गोरखाओं ने काठमांडू में ब्रिटिश सेना को रखने के लिए स्वीकार कर लिया था, तो यहाँ पर गोरखा जो है हमारे पास वो ब्रिटिश की जो सेना है उनको रखने के लिए स्वीकार कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्षेत्र हैं जैसे शिमला हो गए, रानीखेत हो गए, नैनीताल, ये अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए।
इसी संबंध में चार्ल्स नेपियर ने कहा था कि यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का बादशाह बन जाऊं, तो भारत में एक भी भारतीय नरेश नहीं रहेगा, निजाम का नाम भी कोई नहीं सुनेगा और नेपाल हमारा होगा। तो इस प्रकार का जॉन नेपियर का कथन था। अब बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, यहाँ पर तीसरा आंग मराठा युद्ध भी लड़ा जाएगा, जिसमें मराठे जो हैं वो हार जाएंगे। गोरखाओं ने यहाँ पर सिक्किम को खाली कर दिया था, तो इस प्रकार से सिक्किम भी भारत के राजक्षेत्र में आ जाता है। इस संधि का सबसे बड़ा लाभ गोरखाओं का अंग्रेजी सेना में भर्ती होना था। 1857 में भी ये राजभक्त बने रहे तथा उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में योगदान भी किया था, तो गोरखाओं ने बहुत हद तक सपोर्ट किया अंग्रेजों का। हेस्टिंग्स को पिंडारियों के दमन का श्रेय भी प्राप्त है। अंग्रेजी इतिहासकार पिंडारियों को अफगान लुटेरे मानते हैं और दौलतराव सिंधिया को इनका एकमात्र नेता मानते थे, परंतु इनकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती है। पिंडारियों का उल्लेख जो है वो मुगलों के महाराष्ट्र पर 1789 के जो समय आक्रमण हुआ है उस समय मिलता है कि मुगलों के ऊपर पिंडारियों ने हमला किया था। बाजीराव प्रथम के काल में भी ये अवैतनिक रूप से मराठाओं की ओर से लड़ते थे और केवल लूट के भाग को ले लेते थे। पिंडारी किसी भी धर्म को न मानते थे, ठीक है, ये लूटपाट में संलग्न रहने वाले व्यक्ति होते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में वासिम मोहम्मद, चीतू और करीम खां जो थे पिंडारियों के प्रमुख नेता थे, नाम याद रखिएगा, वसीम मोहम्मद, चीतू और करीम खां। 1812 ईस्वी में पिंडारियों ने अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र जैसे मिर्जापुर हो गया, शाहबाद पर आक्रमण कर दिया था। हेस्टिंग ने उनके दमन को अपना लक्ष्य बनाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की। उसने लगभग 113,000 सैनिक तथा 300 तोपें एकत्रित कर ली और उत्तरी सेना की कमान उसने स्वयं संभाल ली और दक्षिणी सेना की जो कमान थी वो टॉमस हिस्लोप को दे दी थी उसने। टॉमस हिस्लोप, याद रखिएगा नाम भी। उसके नेताओं में वसीम मोहम्मद ने आत्महत्या कर ली, तो यहाँ पर जो है हमारे पिंडारी के वसीम मोहम्मद जो थे वो आत्महत्या कर लेंगे। करीम खां को गोरखपुर में एक छोटी सी रियासत दे के उसको सेटलमेंट कर लिया और चीतू जो था जंगल में भाग गया और उसको शेर मारकर खा गया। इस प्रकार की बातें हैं। मेलकम करके एक अंग्रेज हैं, मेलकम ने पिंडारियों को क्या कहा, मराठों जो मराठा शिकारी थे का शिकारी कुत्ता कहा था, तो इसे कुछ उपमा दी थी पिंडारियों को। 1824 तक पिंडारियों का सफाया हो गया था। हेस्टिंग के समय ही मराठों के साथ अंग्रेजों की अंतिम लड़ाई भी लड़ी गई थी, जिसमें मराठे हार गए थे। 13 जून 1817 को पेशवा ने अपनी हार स्वीकार कर ली और एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार मराठा संघ समाप्त हो गया। 5 नवंबर 1817 को सिंधिया से एक संधि की गई जिसके अनुसार महाराजा ने 500 सैनिक पिंडारियों के विरुद्ध अभियान के लिए देना स्वीकार किया था। नागपुर के अप्पा साहेब, सीतावर्डी के तथा होलकर महितपुर के पराजित हो गए थे। हेस्टिंग ने बाजीराव को गद्दी से उतारकर 18 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के समीप एक बिट्ठूर नामक स्थान है वहाँ पर बेच दिया था। सतारा की गद्दी जो थी शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दी गई। हेस्टिंग्स के भारत आने से पहले तक मुगल सम्राट को औपचारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। सम्राट कंपनी के लिए हमारा विशेष कृपा पात्र भृत्य या आदरणीय पुत्र जैसे शब्दों का प्रयोग करता था। हेस्टिंग ने दिल्ली आने पर यह शर्त रखी कि वह सम्राट से तभी मिलना चाहेगा जब वह पुराने शिष्टाचार खत्म किए जाए। इस प्रकार की इच्छा उसकी पूरी हुई। इसके प्रतिवाद का प्रभाव यह हुआ कि हेस्टिंग का उत्तराधिकारी एडम हर्स्ट 1827 ईस्वी में सम्राट से बराबरी के सम्मान से जाकर मिला था। हेस्टिंग के समय में ही सर टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बना और उसने मालाबार, कन्नड़, कोयम्बटूर, मदुरई, डुंडीगुल ये जो क्षेत्र थे यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। रैयतवाड़ी व्यवस्था अलग वीडियो में समझाया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, शॉर्टकट में आपको बता दूं कि कृषकों के साथ सीधा जो कृषकों को भूमि स्वामित्व मान लिया जाता था और बिचौलियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता था। हेस्टिंग के समय पे ही एल्फिस्टन ने बंबई में महालवाड़ी तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था के मिश्रण को लागू भी किया। बंगाल में रैयत के अधिकारियों को सुरक्षित रखने के लिए 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट क्या आया, 1822 में टेनेंसी एक्ट जिसको हम क्या कहते हैं, काश्तकार अधिनियम, इसको लागू किया गया।
इस एक्ट के अंतर्गत यदि रैयत अपने हिस्से की निश्चित राशि किराए में देता है तो उसे विस्थापित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का प्रावधान था। असामान्य परिस्थिति को अतिरिक्त लगान में वृद्धि भी नहीं की जा सकती, ये भी टेनेंसी एक्ट में या काश्तकार अधिनियम में प्रावधान किया गया था। हेस्टिंग ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शक के नियम भी बनाए थे। इसके बाद जॉन एडमसन 1823 में अस्थायी रूप से नियुक्त हुए। देन आए हमारे लॉर्ड एमरहर्स्ट। लॉर्ड एमरहर्स्ट जो थे 1823 से लेकर 1828 तक भारत के कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रहे। ये अंतिम व्यक्ति हैं जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रहेंगे। इसके बाद जो आएंगे वो हमारे आएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो बात करते हैं एमरहर्स्ट के समय पे, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। कंपनी ने अपने औपनिवेशिक स्वार्थ के लिए एक युद्ध लड़ा था जिसको हम कहते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध। 1824 से 26 के बीच में युद्ध लड़ा गया था और ब्रिटिश कंपनी ने अपने औपनिवेशिक स्वार्थ के लिए इस युद्ध को लड़ा, और इसका कारण ये था कि वो अपनी शक्ति में विस्तार करना चाहती थी। 1826 में यांगडुबू की संधि के साथ में बर्मा के साथ, मतलब बर्मा को परास्त कर दिया, बर्मा सेना को, और इस बर्मा के क्षेत्र को भी भारत में मिला लिया गया। तो कुल मिला के कुछ नहीं हुआ, क्षेत्रफल में विस्तार हो गया था। 1824 में हमारे जो एमरहर्स्ट हैं इनके काल में एक विद्रोह हुआ था जिसे हम कहते हैं बैरकपुर का सैनिक विद्रोह। बैरकपुर का सैनिक विद्रोह इसलिए था कि जब बर्मा के लिए सैनिकों को भेजा जा रहा था जहाज में लोड करके, तो भारतीय सैनिकों ने यह कहकर मना कर दिया था कि हमारे धर्म में समुद्र को या जल को लांघना पाप माना जाता है। तो यहाँ पे कुछ सैनिकों ने जल को लांघना या समुद्र को लांघना अपने धार्मिक हितों का उल्लंघन बताया। तो इस प्रकार का विद्रोह जब हुआ तो एमरहर्स्ट साहब ने क्या करा, उन जितने भी विद्रोह थे उन विद्रोह को कुचला और सैनिकों को पकड़ कर गोली मार दी। ठीक है, तो इस प्रकार से बैरकपुर जो सैनिक विद्रोह था वो भी शांत हो गया। आगे बात करते हैं, हमारे पास एक अस्थायी रूप से एक और गवर्नर आएंगे कंपनी के अधीन, वो आएंगे विलियम वायल। वायल जो थे 1828 में एक अस्थायी नियुक्ति पर आए थे। देन इसके बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर लॉर्ड कैनिंग तक का आपको जो गवर्नर जनरल हैं भारत के, वो पार्ट बी के वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।